बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए तलबा व तालिबात, आज हम नवी जमात की उर्दू दरसी किताब में मौजूद गजल नंबर 5, जिसके शायर हैं कलीम आजिज साहब, इस गजल का मुताला करें, जिसमें सबसे पहले पहली बात पेश की गई है कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अकलमंद को इशारा काफी होता है, यानी जो इंसान अकलमंद होता है उसको इशारा काफी होता है, इशारों इशारों में बात समझ जाता है। और शायर का भी जो है ये काम होता है कि वो इशारों इशारों में जो है अपने जो है मकसद को बयान करता है। एक जमाना ऐसा हुआ करता था, जो बादशाहों का दौर हुआ करता था, उस जमाने में जो है बादशाहों की ज्यादतियां, उनके जुल्म सितम के खिलाफ जो है आवाज उठाना मुश्किल हुआ करता था, कोई आवाज उठा नहीं सकता था। तो उस वक्त में जो है शोरा हजरात गजल के जरिए जो है अपने महबूब के तंज व मजाक के साथ जो है बादशाह की ज्यादतियों की तरफ जो है इशारा किया करते थे, और हुक्मरानों की जो ज्यादतियां हो करती थी उसका जो है तस्करा किया करते थे। ये इशारे इतने बलीग हुआ करते थे कि उस वक्त ये अशआर उनके बारे में लिखे जा सकते थे जो हुक्मरान जो है वाकई में अवाम पर जो है ज्यादतियां करती थी। कलीम आजिज के बारे में अगर कहा जाए तो कलीम आजिज जो है ये 1924 सन ईस्वी को तेल्हारा जिला नालंदा रियासत बिहार में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने पटना स्कूल में हासिल की और फिर पटना यूनिवर्सिटी से जो है एमए किया, डॉक्टरेट हासिल की। और कलीम आजिज साहब जो है मुल्क और बैरून मुल्क के अहम मुशायरों में उन्होंने हिस्सा लिया और अपना मुनफरिद कलाम सुनाया। जब फसले बहारा आई वो जो शायरी का सबब हुआ, जहां खुशबू ही खुशबू थी, यहां से काबा काबा से मदीना, उनकी मशहूर तसानीफ है। और इन्हीं खिदमात को देखकर जो है 1992 सन में हुकूमत हिंदुस्तान ने जो है कलीम आजिज को जो है पद्मश्री इस बेहतरीन एजाज से नवाजा। प्यारे बच्चों, पद्मश्री ये जो एजाज है भारत का सबसे ऊंचे इनाम में, ऊंचे एजाज में जो है चौथा जो है ये एजाज माना जाता है। सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद जो है भारत विभूषण, भारत भूषण, और उसके बाद पद्मश्री का नंबर आता है। अब ये जो इशारों इशारों में जो है अपने मकसद को बयान करना, तो कलीम आजिज की ये गजल इसी मिजाज और रंग व आहंग की हामिल है। आखिरकार 15 फरवरी 2015 को इस बेहतरीन शायर कलीम आजिज का जो है हजारीबाग में इंतकाल हुआ।